आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं मोनी और आप लोग देख रहे हैं मोनीज़ एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं और धुआंधार एंट्री के साथ हाजिर हूं। और एक्चुअली हम निकले थे थोड़ी बहुत आउटिंग पर और सर्दी के मौसम को इन्जॉय करने के लिए, और लॉन्ग ड्राइव पर वैसे तो निकले थे। तो लॉन्ग ड्राइव करते करते जो है फिर एयरपोर्ट रोड पे कुछ एक दो जगहें हमने एक्सप्लोर की, और फिर उसके बाद हमने कहा चलें गरम गरम, क्योंकि ठंड बहुत है तो कहीं पर बैठ के गरम गरम चाय पीते हैं। तो फिर हम आ गए थे यहाँ पर जो है वो हम आ गए थे महफिल रेस्टोरेंट, और यहाँ से मैं आपको इसकी एंट्रेंस दिखा रही हूँ। एंटर होते ही यहाँ पर सेंटर में ये प्रेइंग एरिया बना हुआ है और जहाँ पे जाए नमाज बिछी हुई थी, और ये आदमियों के लिए मेंस के लिए है कि भाई वो बैठकर यहाँ पर अपना नमाज अदा कर लें अब नमाज के मुख्तलिफ औकात में। इसके अलावा यहाँ पर ये टेंट जैसे लगे हुए हैं और ये बड़े खूबसूरत इनका फ्रंट था और ये हुजरे बने हुए थे। और नैना मुझे कह रही थी कि मोनी ऐसा लग रहा है जैसे कि हम अर्थरुल के ईरा में आ गए हों, तो बड़े प्यारे लग रहे थे। हम पहले भी यहाँ पे आ चुके हैं और इधर ही हुजरों में बैठ के बड़ा अच्छा लग रहा था। और ये जो है वो फैब्रिक जो था उसके जो टेंट जो बने हुए थे बहुत ही ज़बरदस्त, अच्छे से, प्यारे से और कोज़ी से। मज़े की बात यह है कि ये बहुत कोज़ी है अंदर बैठने में, और हीटर भी लगे होते हैं, गांव तक ये लगे होते हैं, और नीचे बैठने का जो है वो सिटिंग अरेंजमेंट है तो वो बहुत ही अच्छा लग रहा होता है और बहुत ही कंफर्टेबल होता है। इसके अलावा हम यहाँ पर पीछे पिछली तरफ आ गए थे, और क्योंकि काफ़ी रश था तो हम पिछली तरफ आ गए थे, और यहाँ पर भी एक बड़ा हॉल है। और इसके अलावा हाँ जी, तो डाइन इन करने के लिए यहाँ पर एक जॉइंट फैमिली हॉल भी बना हुआ है, उसमें भी जो है वो डिफरेंट सेक्शंस से बने हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पे सेपरेट हुजरे भी बने हुए हैं और जहाँ पर आप मज़े से बैठ के फैमिली के साथ अपने अपने आइसोलेटेड कैबिन में मज़े से बैठ कर जो है वो आप इंजॉय कर सकते हैं। भाई जान इधर देखा है, हेलो नमा जी, बीशा तो खैर वो मसरूफ है। नैना जीनिया, नैना बाहर हो रही थी, बहुत ठंड और बहुत गाड़ी में तो आपको पता है वैसे भी लग रही होती ठंड, लेकिन यहाँ पे आके बहुत मज़ा आ गया था। छोटू सा मुन्नू सा हीटर लगा हुआ था यहाँ पे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इसने जो है वो हीट अच्छी खासी थी इसकी, और बड़ा अच्छा सा कोजी सा जो है वो अंदर से हो गया था। मैं यहाँ पर बाहर निकल के आप लोगों को दिखा रही हूँ। यहाँ पर भी सेंटर में जो है ये छोटा सा गार्डन बना हुआ था, और क्योंकि आजकल विंटर्स हैं तो ये काफ़ी बेयर लुक दे रहा था, वरना काफ़ी ग्रीनरी सी होती है। और एक्चुअली हम यहाँ पे पहले भी आ चुके हैं दो दफ़ा, और लास्ट टाइम तो हम इसी सीज़न में यहाँ गए थे और इस हॉल में हम बैठे थे जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर मेरे भाई की बेटी भी तब हमारे साथ थी और छोटी वाली, और हम यहीं पे बैठे थे और बड़ी खुश हो रही थी वो। और यहाँ पे पहले लास्ट ईयर जब हम आए थे तो इस तरह से ये हुजरे भी बने हुए हैं, यहाँ पर भी आप सेपरेट सेक्शंस हैं जहाँ पर आप बैठ के आराम से फैमिली की आपकी आइसोलेशन भी रहती है, पर्दे का एहतमाम भी रहता है, तो बड़ा मज़ा आया था। और ये भी काफ़ी कोज़ी और गर्म था। और इस तरह से फ़िलहाल अभी क्योंकि हम काफ़ी शाम में मग़रिब की गैस अजानी हो रही थी तब आए थे, तो फ़िलहाल यही हॉल खाली था, बाकी तमाम हुजरे जो थे वो ऑलमोस्ट ऑक्यूपाइड ही थे। और ये आप देख सकते हैं चारों तरफ हुजरे बने हुए हैं, और ये बड़ा देसी सा, बड़ा एथनिक सा और बड़ा कल्चरल सा जो जिसे कहते हैं ना लुक आता है। और बीच में ये सेंटर में गार्डन बना हुआ था, और सबसे अच्छी बात जो है वो ये कि आराम से सर्दी के मौसम में तो बहुत ही मज़ा आता है यहाँ पे बैठ के खाना खाने का या कुछ भी इंजॉय करने का, क्योंकि ये कोज़ी कोज़ी से गरम गरम से होते हैं और अच्छे से यहाँ पर शीट बिछी हुई थी, कारपेट और गांव तकिए लगे हुए थे चारों तरफ जिस पे आप आराम से रेस्ट करके बैठ सकते हैं, आराम से किसी भी पोजीशन में, और इन्जॉय कर सकते हैं बड़े आसानी से। बच्चे भी खुश थे, हम भी खुश थे, हमने अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया था। हाँ जी, तो हमने अपना फूड ऑर्डर कर दिया था और बस अब सर्व होना बाकी था। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ मेन्यू कार्ड, और इसमें अच्छी खासी वैरायटी है। महफिल स्पेशल में आपको रोस्ट मटन जॉइंट दाल सब्ज़ी चिकन बिरयानी, और इसके अलावा स्पेशल कढ़ाई मटन कढ़ाई चिकन कढ़ाई हांडी वगैरह अवेलेबल थी। बारबेक्यू में
मटन चाप, मटन कबाब, चिकन बोटी, चिकन टिक्का, चिकन टिक्का मलाई बोटी, और इसके अलावा रोल की वैरायटी थी। और इसके अलावा जो है वो फास्ट फूड में जो है इनके बर्गर, जिंगर बर्गर्स वगैरह भी अवेलेबल थे। इसके अलावा हॉट बेवरेजेस भी अवेलेबल थे, कोल्ड ड्रिंक्स के अलावा, जिसमें चाय, कॉफ़ी, कश्मीरी चाय वगैरह भी थी। और इसके अलावा यहाँ पर इनकी डील्स भी थी, 5 डील्स थी इनकी, और बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4 के नाम से। और यहाँ पे आप बॉक्स 2 में देख रहे हैं रोस्ट राइस, प्लेन राइस, नान और सलाद और रायता, क्योंकि यहाँ पे सलाद लिखा हुआ था। और बॉक्स 1 में जो है वो चिकन बिरयानी, रेशमी कबाब, नान, रायता, सैलड। बॉक्स 4 में चिकन टिक्का, रेशमी कबाब, चिकन बिरयानी, नान, सैलड और रायता। और बॉक्स 5 में था चिकन टिक्का वगैरह। सो व्हाट सो एवर, खैर हमें लगी थी छोटी छोटी सी भूख, तो हमने यहाँ पर ऑर्डर किए थे फ्रेंच फ्राइज, और हमने किया था यहाँ पर जिंगर बर्गर्स बच्चों के लिए, और रोल्स, चिकन टिक्का मलाई रोल। तो यहाँ पर हमने जो है वो ऑर्डर किए थे, और बहुत मज़ा आया, हमने अपना फूड बहुत इन्जॉय किया, क्योंकि बहुत अच्छा फूड था, टेस्टी था। रोल्स ऑलमोस्ट आपको पता है हर जगह के सेम ही होते हैं, लेकिन बेस्ट बात ये होती है कि फ्रेश हो अगर, तो फिर आप और ज़्यादा इन्जॉय करते हो। तो अच्छा स्पाइसी सा फूड था और हम सब ने इन्जॉय किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बच्चियाँ नैन और जीनिया भी जो है वो अपना मील इन्जॉय कर रही हैं, और बर्गर्स और फ्राइज जो है वो खूब मज़े से खा रही हैं। तो मैंने भी खूब मज़े से अपना रोल तो खा लिया था, और उसके साथ ही साथ जनाब जी मैंने जो है वो फ्राइज जो है वो खूब चटनी लगा लगा कर खाए थे। इसके अलावा जो है हमने जो है वो साथ चाय ऑर्डर की थी, दूध पत्ती। और अब हमने अपना मील ख़त्म कर लिया था, और अब महीना बाजी से बातें करते करते बाहर आ रही हूँ। और फिर यहाँ से निकलने के बाद हमने कहा कि चलो थोड़ा बहुत चीज़ें ग्रॉसरी करनी थी, तो अल महमूद सुपर मार्केट पर हम आ गए थे, और अब यहाँ पर हम एंटर हो रहे हैं। और मेरे कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं, मेरे ऐसे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने मुझसे फरमाइश की थी, सॉरी मैं भाई का नाम भूल रही हूँ, लेकिन उन्होंने मुझसे फरमाइश की थी कि नेक्स्ट टाइम मैं जब विज़िट करूँ अल महमूद सुपर मार्ट, तो मैं जो है वो कॉस्मेटिक का सेक्शन ज़रूर दिखाऊँ। तो उनकी भरपूर फरमाइश पे टन टन आपको दिखा रही हूँ मैं, तो आप देख लीजिए कि इस तरह से यहाँ पर ये जो है वो कॉस्मेटिक सेक्शन था, जिसमें कि फेस वॉश, क्रीम्स, फेस सीरम्स और फेशियल किट्स, फेस वॉशेस और नेल एनेमल्स जो लड़कियां लगाती हैं, नेल पॉलिशेस वगैरह, और लिपस्टिक्स, पेंसिल्स, और ये सारे जो है डिफरेंट ब्रांड्स के जो है वो लेआउट हुआ हुआ था, और काफ़ी वाइड रेंज थी। और यहाँ पर आपने अगर मेरा पहला व्लॉग देखा होगा अल महमूद सुपर मार्ट का, तो वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था काफ़ी डिटेल में। इसके अलावा आज भी हम लोग विज़िट कर ही रहे थे, तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों के साथ फिर से शेयर किया जाए। काफ़ी जिसे कहते हैं ना ये वसी और काफ़ी जिसे कहते हैं स्पेशियस सा जो है वो मार्ट है, काफ़ी ग्रैंड किस्म का, ग्रैंड्योर बहुत है इसका वैसे। और यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल थी, हम लोग अपनी जो है वो चीज़ें देख रहे थे। मैं तो आई वॉज लुकिंग फॉर कैट फूड, क्योंकि हमारे एरिया में आजकल कैट फूड नहीं मिल रहा है, तो इस वजह से जो मेरी कैट्स खाती हैं मेरी बिल्लियाँ मियो कैट, तो एक दो चीज़ें हमने बस पिक करनी थी, और बच्चियों ने एक दो चीज़ें लेनी थी, ज़्यादा बस हमने कुछ खास करना नहीं था आज। तो मैंने कहा साथ साथ आप लोग को दिखाती जाऊँ, जो उस दिन रह गया था तो आप लोग वो भी देख लीजिए। तो यहाँ पर ये देखिए कुकिंग रेंज की कितनी वाइड वैरायटी काफ़ी है, और सिंगल बर्नर, डबल बर्नर, ट्रिपल बर्नर और 5 बर्नर्स के साथ साथ, तो ये बहुत अच्छे और बड़े जिसे कहते हैं अपीलिंग लग रहे थे। इसके अलावा ये हॉट प्लेट्स थी और कुकिंग रेंज यहाँ पर थे, और तमाम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो थे वो अवेलेबल थे, जैसे कि सैंडविच मेकर्स, टोस्टर्स, ग्राइंडर्स, चॉपर्स, सब कुछ अवेलेबल था। और मैं आपको देखिए कैमरे में वाइट करके दिखा रही हूँ ताकि आप दूर तक देख सकें जैसे मैं दूर तक देख पा रही थी। इसके अलावा यहाँ पर सिलेंडर्स, हीटर्स और वॉशिंग मशीन्स और हॉट जिसे कहते हैं कैटल्स थी, और मिन्स मीट के लिए जो मशीन होती है वो थी,
मतलब कीमा निकालने की मशीन जिसे कहेंगे, और यहाँ पे फ्रिज थे, फ्रीजर्स थे। तो फिर मैंने और अतिशा ने सोचा कि जी क्यों ना हम जो है वो जाकर जो है, उस दिन हमारा थोड़ा मिस हो गया था आई गेस ज्वेलरी का सेक्शन, तो वो थोड़ा सा एक और देख लें। तो हमने कहा चले चल के देखते हैं कि किस किस्म के आइटम्स हैं ज्वेलरी में। और मैं यहाँ पे तेज़ी तेज़ी आके चली गई थी और मैं वेट कर रही थी कि मेरे पीछे पीछे नैना, ज़ीनिया और बाकी बच्चे भी आ जाएं। तो जी यहाँ पर मैं आ गई हूँ ज्वेलरी सेक्शन में, और यहाँ पर अभी थोड़ा सा जो है ये एम्प्टी था, लेकिन काफ़ी चीज़ें थीं वही जो यूजुअली होती हैं, और ये इयररिंग्स और लॉकेट सेट्स थे जो कि नॉर्मली हर जगह ही होते हैं अवेलेबल। और ज्वेलरी मैं कहूँगी इतनी कोई ख़ास यहाँ पर जो है वो डिस्प्ले नहीं हुआ हुआ था। बैंगल्स थी, इयररिंग्स थे, हेयर बैंड्स थे, लेकिन कुछ खास अपीलिंग नहीं थे। चेन्स थी, और ये कितने क्यूट लग रहा है, डोरेमोन के लॉलीपॉप्स, जंबो लॉलीपॉप्स। और यहाँ पर जो है मैं अब आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर ये फ्रूट कॉर्नर है डिलोयो का, और यहाँ पे डिलोयो के ड्राई फ्रूट्स जो है वो पैकेजिंग में जो है वो अवेलेबल थे। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने फ्रेश फ्रेश फ्रूट्स यहाँ पे लगे हुए हैं, और ये बड़ा अपीलिंग और इतना रिफ्रेशिंग एंटर होते ही, ये एंट्रेंस में एंटर होते ही ये स्टॉल था फ्रूट्स का, तो बड़ा रिफ्रेशिंग लग रहा था। और यहाँ पर इसके अलावा जो है वो क्या कहते हैं ये फ्रूट सैलड्स जो है वो भी सेल कर रहे थे। इसके अलावा फिर हम यहाँ पर आ गए थे ड्राई फ्रूट्स के सेक्शन में, जिसमें पिस्ता, बादाम, काजू, अखरोट, गिरी भी आपको मिल अवेलेबल थी इस तरह से, और जो साबुत होते हैं होल उस तरह से भी तमाम नट्स जो है वो अवेलेबल थे, किशमिश और ये कैंडीज़, रेवड़ियाँ भी अवेलेबल थी, और ये कोटेड चने जो होते हैं, सादे चने और कोटेड चने और सीड्स, ये बीज जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, ये भी जिसे कहते हैं वो बहुत अच्छे से अवेलेबल थे। ये कोटेड आप चने देख सकते हैं जिसमें बेरी, लेमन और ऑरेंज फ्लेवर कोटेड चने थे। और ये स्वीट्स मेरे भी यहाँ कैंडीज ये अवेलेबल थी। इसके अलावा यहाँ पर जो है वो चमन ड्राई फ्रूट्स की जो है वो पैक्ड उसमें कंटेनर्स में पैकेजिंग में जो है वो भी ड्राई फ्रूट अवेलेबल था, और दूसरी टिन पैकेजिंग में भी यहाँ पर अवेलेबल था। और इसके अलावा चिक्कीज भी पड़ी हुई थी यहाँ पर, पीनट वगैरह की। अच्छा यहाँ पर अब हम करवा रहे थे अपनी बिलिंग, और यहाँ पर 7 से 8 काउंटर्स थे जैसे कि आप देख सकते हैं, और वो रहा फ्रूट कॉर्नर, और वहाँ पर काफ़ी अच्छे मुझे लग रहा था फ्रूट सैलड्स भी मिल रहे थे, क्योंकि हमने खैर ट्राई नहीं किए। अब हमने अपनी कर ली थी शॉपिंग, हम आगे थे बाहर, और ये जो अल महमूद सुपर मार्ट है इसके बिल्कुल साथ ही जो है वो लाला फूड्स जो है वो उसकी ओपनिंग, जैसे मैंने आपको अपने प्रीवियस व्लॉग में बताया था, तो उसकी ओपनिंग थी। तो और अब जो है ये काफ़ी रनिंग कंडीशन में था, और मैंने भी यहाँ पे जाके मेन्यू भी चेक किया, काफ़ी अच्छा इनका वास्ट मेन्यू था, मतलब सारे फास्ट फूड के आइटम्स भी थे। इसके अलावा जो इनकी स्पेशलिटी थी यहाँ पर वो थी फ़िश के डिफरेंट आइटम, फ्राइड फिश एंड ऑल, इस तरह से फ़िश जो थी वो डिफरेंट सॉर्ट्स की वो अवेलेबल थी। इसके अलावा यहाँ से हम लोग जा रहे थे ग्रैंड इशूज़, तो खैर हमने विज़िट नहीं किया, लेकिन हम यहाँ पर आगे थे काका वुड्स पर, और हम थोड़ा बहुत फर्नीचर देख रहे थे। बहुत ज़बरदस्त किस्म के यहाँ पर जो थे आइटम्स अवेलेबल थे। ये रॉकिंग चेयर फ़िलहाल एंट्रेंस पर रखी हुई आप देख सकते हैं काका वुड डिस्प्ले पे, इनके साथ ही इनकी क्रॉकरी की भी जो बिल्कुल एडजेसेंट जो थी वो क्रॉकरी का भी इनका जो था वो स्टोर था। और यहाँ पर मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि यहाँ पे अलाउ नहीं था, एंटर होते ही जो भाई साहब हैं उन्होंने मुझे मना कर दिया था, और आप अगर देख सकते हो तो इस मिरर पे भी लिखा हुआ है कि यहाँ पे वीडियो बनाना मना है, पर एक्चुअली मैं वीडियो बनाने में इतनी मसरूफ़ थी कि मुझे नज़र ही नहीं आ रहा था कैमरे की आँख से कि यहाँ पर जो है वो पेस्ट भी हुआ हुआ था डिफरेंट कैप्शंस के, जी वीडियो बनाना मना है। तो मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई जो भी फर्नीचर की थी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ऑब्वियसली आपको कहीं पे अलाउ ना करें और बनाना तो अच्छा नहीं लगता क्या बनाएं, तो यहाँ की आप बहुत थोड़ी सी वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो बहुत मज़ा आया हम लोगों को आउटिंग करके, आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त किस्म के काउच और
बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के काउच और वो मिरर और जिसे कहते हैं जो स्विंग है, वो झूला जो पड़ा हुआ है, मुझे बहुत पसंद है। तो ये सब अवेलेबल है यहाँ पर। जो क्वेटा के रहने वाले हैं वो आसानी से आके यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत औसम किस्म का, आउटस्टैंडिंग किस्म का जो है ना वो फर्नीचर अवेलेबल था, बेड, चेयर्स वगैरह। तो हमारा तो दिन बहुत अच्छा गुजरा, हमने आउटिंग में बहुत मज़े किए, हम सबको बहुत मज़ा आया, नैना, ज़ीनिया, मुझे, हिना बाजी को, हम सब ने बहुत मज़े किए, बहुत अच्छा डे आउट हो गया था। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूँ। तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हाँ घंटी के बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बहुत बआसानी आप तक आप पहुँच जाए, आप देख पाएँ और इसी तरह से मज़े उठा पाएँ जैसे मेरे साथ मिलकर। और बहुत शुक्रिया उन तमाम लोगों का जिन्होंने मेरी तमाम वीडियोस को देखा है, सराहा है, और मेरी कोशिश को सराहा है और पसंद किया है मेरी वीडियोस को। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर मुबारक हो। अल्लाह ताला आप सब लोगों के घरों में खैरियत रखे, सलामती रखे, और नया आने वाला साल आप लोगों के लिए ढेरों हज़ारों खुशियाँ लेकर आए सलामती के साथ। मिलूंगी किसी दूसरे ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।